हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। आज हम अपने यूट्यूब चैनल का बैनर बना रहे हैं, तो उस बैनर में फोटो लगाने के लिए 18 साल पहले का एक फोटो हम खोजेंगे और उसको हम लगाएंगे। जो हमारे शादी के पहले का फोटो है वो हम खोजेंगे, अभी हम लगाएंगे। तो हम और गीता जी उसको खोजते हैं कहाँ पे है। तो ये हमारा मिल गया है जिसमें हम सारा कागज वगैरह रखते हैं। देखिए इसकी दुर्दशा कैसी है, ये फटा हुआ है, ये खुला हुआ है, चैन ऐसे है, इसमें ही हम सारा अपना कागज वगैरह रखते हैं। तो अभी हम ये सारे कागज को खोलेंगे और देखेंगे क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे सारे इम्पोर्टेंट कागज है, जो मतलब कि समझिए तो हमारे 18 साल की पूंजी है ये हमारा। चलिए आपको हम दिखाते हैं क्या क्या है। ये तो फाइल है गीता का, सुहानी का, छोटी वाली लड़की का, सारा उनका सबका अलग अलग कागज को रखते हैं। मेरी दो बेटी है। ये निकालो जी, इसे निकालो। ये देखिए दोस्तों, ये निकल गया है, अठारह साल पुराने सारे दस्तावेज निकल रहे हैं। ये हम लोगों का लेटर था सब है। ये देखिए, एक दूसरे को दिया करते थे। ये देखिए, ये सारे लेटर सब है पुराने पुराने, बहुत सारे बहुत सारे लेटर हैं हम लोगों को, जो हम एक दूसरे को दिया करते थे, है ना। तो उसको हम इधर रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। कभी इसके बारे में भी आपको सब सुनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे ये क्या लिखती थी और हम क्या लिखते थे, है ना। बचपना तो बचपना ही जैसा था, लेकिन सियान हो चुके थे। अरे मुस्कुरा तुझे। ये सब ग्रीटिंग्स है, ये देखिए। ये देखिए, ये हमको ग्रीटिंग्स दिए थे ये वाला। ये हम इनको ग्रीटिंग्स दिए थे न्यू ईयर पे। देखिए 1 तारीख को इनका जन्मदिन भी रहता है, थोड़ा नजदीक से देख लीजिए। ऐसा ये सब है कहाँ, ये सब देख रहे हैं। इसमें अब कुछ नहीं है, देखिए तो एक जगह कर देना, एक जगह ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आराम से। ये पिटारा खुलते ही 18 साल पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। अभी ये देखिए, हम इनको एक ये ग्रीटिंग्स दिए थे, ये ग्रीटिंग्स है, ये ग्रीटिंग्स जो है इसमें क्या लिखा है ये भी हम आपको पढ़ कर के सुनाएंगे। ये 2004 की ग्रीटिंग्स है जो हमने इनको दिया था। ये डेट देख सकते हैं आप, ये आप देख पा रहे हैं 2004 की है। अभी हम बैक कैमरा में भी सारे आपको दिखाएंगे, इससे समझ में नहीं आ रहा होगा, उल्टा उल्टा दिख रहा है इसमें। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह का ग्रीटिंग्स था हम लोगों का, और कितना बढ़िया और प्यारा
सा फील इसमें जो लगा है पिक्चर, वो भी कुछ अलग सा ही फील दे रहा है। एक दूजे के लिए एक कितना डिवोटेड होते हैं लोग, तो उसके सारे सिंबल थे, इसलिए हमने ग्रीटिंग को चूज किया था और ख़रीद करके और अपने हाथों से कुछ कंटेंट्स वगैरह जो थे वो लिखे थे उस समय में, जो आपको हम पलट करके दिखाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, गीता माई स्वीट्स हर्ट, वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2004। ये आपको यहाँ पे ये सारे लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे लव का जो ये है ये लिखा हुआ है। और इधर में देखिए, इसमें ये ब्लैंक था, सादा था, और ये भी सादा था, और इस जगह तो इस जगह सारे कंटेंट्स हमने खुद लिखे हैं। और इसमें हमने लव का सिंबल लव लिखा था इधर, और इधर ओ को हार्ट बनाया था, और हार्ट बनाया था, और हार्ट के अंदर में इनका एक छोटा सा पिक्चर बनाया था, और उसको एक एरो से कनेक्ट करते हुए, हार्ट को पार करते हुए बनाया था कि आप मेरे दिल को, मतलब कि ये अंदर आ गए हैं, है ना। ये हमने इस लव के माध्यम, इस लव वर्ड के माध्यम से इनको एक्सप्रेस किए थे। और जितने भी ये पूरे है, इस सब में पूरे में इसमें गीता गीता लिखा हुआ है, ये देखिए ये सारे दोस्तों, इसमें पूरे में गीता ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये आप पढ़ पाएंगे तो पढ़ लीजिएगा, ये है, एलोंग विथ हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट्स हार्ट, यू नो माय स्वीट हार्ट, वी हैव ए फेविलेंट लाइफ विथ यू। इसका मतलब यही है कि आप ये जानती हैं कि हमारा जो अच्छा सा जो लाइफ है वो आपके साथ में है, ये हमने इसमें एक्सप्रेस करने का कोशिश करा था इनके साथ में। और न्यू ईयर का टाइम था तो उस समय यहाँ लिखा हुआ है, डियर गीता हैप्पी न्यू ईयर 2004। और यहाँ लिखा हुआ है, माई लव आई विशिंग यू ऑल द थिंग्स दैट ब्रिंग ग्लीटी इंटू योर वर्ल्ड एंड जॉय इंटू योर हार्ट। ये सब सारे कंटेंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये आपको हम बता दे रहे हैं, और इस तरह से हमने खुद अपने राइटिंग में इनको लिख करके दिया है, यहाँ सिग्नेचर भी करके इनको दिया है। और इस तरह की हमारी लाइफ थी, और उस समय हम पढ़ाई ही कर रहे थे, और हमारी 2004 में ही, किस महीने में शादी हुई, किस महीने में, चार में शादी थी, महीने दिसंबर 28 दिसंबर को हम लोगों को मैरिज हो गया। उस मैरिज के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कहानी सुनाएंगे, बड़ी विवाद तरीके से हमारी शादी हुई है, उसके बारे में आप लोगों को और भी जानकारी दूसरे कंटेंट्स में देंगे। तब तक के अभी हम खोज लेते हैं जो पिक्चर खोजने के बारे में है। फाइनली दोस्तों, फोटो हमें मिल गया जिसकी तलाश थी। ये वो फोटो है हमारे शादी से पहले की, और ये फोटो एक से हमने खिंचवाया था। ये फोटो जो है वो पटना के हनुमान मंदिर की ये फोटो है, काफ़ी पुरानी फोटो। ये दुर्गा पूजा के समय हम लोग हनुमान मंदिर में घूमने के लिए गए थे। ये साल 2002 का ये फोटो है,
जो हम लोग घूमने के लिए गए थे हनुमान मंदिर में पटना। ये फोटो काफी पुरानी हो गई है, धुंधली सी हो रही है, इसमें का जो इधर का कागज है वो सट गया था, इसमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ये देखिए गीता जी हैं और ये हम हैं। ये बहुत पतली दुबली थी, ये लंबी सी दिख रही थी, ये है इनका पिक्चर। अब इस पिक्चर को हम लगाएंगे अपने उस यूट्यूब का जो थीम होता है चैनल का, उसमें इनको एडिट करके हम ऊपर में ये लगाएंगे, और अब का जो फोटो है उसके नीचे में लगाएंगे। ये देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा लाइफ कैसे चेंज हो जाता है और क्या क्या यातनाएं और अच्छी चीज़ों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये देख पाएंगे और हमसे रिलेट कर पाएंगे आप लोग। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों हम यहाँ दिल्ली में आए थे कुछ सपने लेकर के, बहुत सारी आकांक्षाएं थी हम लोगों की कि हम बहुत दूर तक उड़ान भरेंगे, लेकिन हम लोगों का जीवन इस तरह से होने लगा, ना तो अच्छी नौकरी मिली, ना अच्छा परिवेश मिला, कुछ आउटर इलाके में हम लोग रहने लगे और इस तरह से, लेकिन हम लोग एक साथ में ही रहें और अच्छे जीवन बिताने के लिए काम करते रहें, छोटी छोटी कामें मिली जिससे मतलब सैलरी वगैरह सब बहुत कम ही रहें और कहीं कोई रोशनी नज़र नहीं आए, इसके वजह से हम लोग छोटे छोटे काम करते रह गए और इस तरह हमारा जीवन धूमिल पड़ गया। और धूमिल पड़ने की वजह से अभी ऐसी स्थिति है कि हम अब रिक्शे चलाते हैं, छोटे मोटे थोड़ा बहुत बाजार का काम करते हैं, लेकिन भरण पोषण कुछ भी नहीं हो पाता, जब कभी भी चेंज करना होता है, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं हम लोगों के जीवन में और कहीं भी हम अस्थाई नहीं रह पाते। 18 सालों में न जाने कितने बार हमने कमरे को चेंज किया है और एक अस्थाई जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, और घर बार तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले ही वहाँ से चले आए थे और हमने वहाँ पर ही किसी तरह का बेस नहीं बना रखा जो वहाँ पर ही जाकर के हम रह सके और अच्छी जीवन बिता सके। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इससे एक हमें मोटिवेशन भी मिलेगा, हम अपने पूरे जीवन को आपको बताएंगे और इससे हमारा जीवन भी बेहतर होने की संभावना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।